निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने में शिक्षा विभाग नाकाम है। स्वराज एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रसारित होने के बाद स्कूल को नोटिस भेजा गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी स्वीकार किया है कि स्वराज एक्सप्रेस में खबर प्रसारित होने के बाद कृष्णा पब्लिक स्कूल को नोटिस दिया गया है, जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत शिकायतें लगातार आ रही हैं कि शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। निजी स्कूलों का मनमानी चरम पर है और पालकों का जेब काटा जा रहा है, इसको लेकर शिक्षा विभाग किस तरह की कसावट कर रही है, क्या उनकी तैयारी है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, निजी स्कूल वाले जो हैं पालकों का जेब काटने में लगे हुए हैं, लगातार आप लोग के आदेश के बावजूद भी वो लोग फीस के मांग कर रहे हैं, बुक खरीदने के लिए बोल रहे हैं, गणवेश खरीदने के लिए बोल रहे हैं। फीस को नियंत्रण करने के लिए ऐसा कोई अभी नियम छत्तीसगढ़ में नहीं बना है और इसकी आवश्यकता है। पालकों के भी समय समय पर मांग आती रहती है, लोगों को भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, तो इसीलिए अभी चूंकि कोई नियम नहीं बना है और छत्तीसगढ़ में एक नियम इसके लिए बने, फीस नियामक का कंट्रोल के लिए बने, उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उसके कमेटी में हैं। उसकी अभी कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी और बैठक में तय हुआ कि विभिन्न राज्यों में किस प्रकार के नियम बने हैं, वहाँ क्या कानून हैं, उसके साथ ही साथ जितने शिक्षा के जानने वाले हैं, शिक्षाविद हैं, जो स्कूल चलाने वाले जो संस्थाएं हैं, जो पालक संघ है, पालक के लोग हैं जिनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं या दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सबकी सुझाव मांगे गए हैं कि क्या आपके इसमें क्या आप सुझाव देना चाहते हैं इसमें, तो सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और जैसे सुझाव उनके आते हैं एक बैठक करके उसमें जो संभव हो सकता है एक नियम, अच्छे नियम बने, कानून उसके लिए प्रभावशाली कानून बने। तो अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना जिनका साफ कहना है कि मनमानी करने वाले स्कूलों को नहीं बख्शा जाएगा, फिर हर नियम कानून बनाने की कवायद जारी है, नियम कानून बनने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह।